लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हालचाल है? लाल बहादुर शास्त्री जी एक स्मारक के रूप में स्थापित है रामनगर में। कुछ लोग उनके सत्कार से 2 अक्टूबर को याद करते हैं और कुछ ऐसे समर्पित लोग हैं जो अपनी मूर्ति की धूल और सफाई करते रहते हैं अक्सर हर दिन रामनगर बनारस। एक शोध संस्थान है रविंद्रपुरी के आसपास। शोध संस्थान किताबों तक सीमित है, व्यवहारिक जीवन से लगभग गायब हो चुका है। ईमानदारी नाम की अर्हता भी पूरी नहीं करता कोई छात्र उसका, न कोई आचार्य उसका। प्रेमचंद भी बनारस के थे। प्रेमचंद जी बनारस के उत्तरी छोर पे एक गांव लम्ही के थे, बनारस में उनका बहुत भाव साहित्यकारों में और उन कम्युनिस्ट विचारकों में है जो साहित्य में और साहित्य दलित चिंतन को लेकर सक्रिय रहते हैं। मालवीय जी के बारे में क्या कहना है? मालवीय जी ने बनारस की दक्षिणी भूमि को इस तरह पवित्र किया कि दुनिया का कोई व्यक्ति जब काशी में आता है तो विश्वनाथ मंदिर पहुंचने से पहले या बाद में उस छोर पर जरूर आता है जो सबसे अछूता हुआ करता था। आपका BHU आना होता है? BHU बतौर पत्रकार मैं आना शुरू किया और मेरा काम सीखना ज़्यादा रहा, लेकिन जब समझने लगा तो मुझे लगा कि यहाँ काबिल लोगों की काफ़ी कमी है जो लोगों से जुड़कर काम कर सके। BHU की दो अच्छाई बताइए। BHU की सबसे बड़ी अच्छाई है दुनिया को एक मंच देता है और दुनिया को दुनिया के लोगों के साथ रहना सिखाता है। आपको लगता है कि मालवीय जी का सपना साकार हो रहा है? मालवीय जी के विचार से BHU को से दूर निकल चुका है, एकीकृत शिक्षा प्रणाली जो है ध्वस्त हो गई है। अब फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता है PG में स्नातकोत्तर में, और वनस्पति वाला जो है फिजिक्स नहीं पढ़ पाता है, न पढ़ सकता, न ऐसा कोई मॉडल है, न ऐसी कोई व्यवस्था है। रीएडमिशन नाम पे कोई पढ़ना चाहे तो पैसा लेकर भी नहीं पढ़ने की व्यवस्था है, पेड सीट पर भी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है जो कि रिसर्च लेवल पे बहुत जरूरी है। मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा। BHU द्वार जो सिंह द्वार है, जब प्रवेश करते हैं और कुछ देर के बाद जब आप वापस निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल घुटन सी होने लगती है गेट पार करते ही, जो परिसर का सुकून है वो छिन जाता है। काशी खत्म होकर पर्यटन स्थल और बाजार बन गया, ये कह सकते हैं कि पर्यटन स्थलों का बाजार हो गया। माँ गंगा के बारे में क्या कहना है? काशी में माँ गंगा जीवकोपार्जन थी, धर्म संस्कृति थी, जीवन रेखा थी और फिलहाल वह साधन बन गई है और उसको भोग करने वाले उपभोक्ता पड़ते हैं। बनारस को कहा जाता है गलियों का शहर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलियां सुकून और शहरीपन से दूर होती हैं, बनारस की गलियों को ध्वस्त किया जा रहा है, नगरीकरण का शिकार हो रही है। अब उसमें वो तरावट बनावट खत्म हो चुकी है, कोई बुजुर्ग या बच्चा गलियों में न पढ़ सकना गति करे, अगर चलना चाहे घूमना चाहे तो तमाम तरह खतरे हैं, पैर टूटने से लेकर दुर्घटना तक। बनारस का वह चार स्थान बताइए जहाँ पे आप बैठना पसंद करेंगे।
सारनाथ हाट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर। गोदोलिया कभी गए हैं? गोदोलिया जाना होता रहता है और अक्सर रात में या शाम के बाद, शाम क्या मतलब देर शाम 10 बजे 9 बजे तक जाता हूँ, लगभग मध्यरात्रि करीब होती है। अब भीड़ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, सुकून विश्वनाथ मंदिर का छिन गया है। अगर आपको विदेश जाना हुआ और वहाँ पर बनारस के कई व्यंजन आपके सामने हैं, तो आप कौन सा व्यंजन खाना पसंद करेंगे? लाल बाटी, बाटी चोखा और खिचड़ी, रोटी दाल सब्जी, दही नमक और छाछ और रसगुल्ला। बनारस में कई घाट बने हुए हैं, कहा जाता है 80 घाट, ये इस 80 घाट का मतलब क्या है? 80 अंतिम घाट हुआ करता है बनारस का, लेकिन इसके बाद में कुछ और घाट डेवलप हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्रों में 84 लाख क्यूरियर को रिप्रेजेंट करने वाले 84 घाटों के सूचक हैं, जिनमें 80 खत्म हो जाता है, बाकी के घाट विकसित किए गए हैं सरकारों द्वारा और वह केवल रमणीय स्थल बनकर रह गए हैं। पवित्रता में केवल दशाश्वमेध, केदार घाट और नया मोदी घाट है जहाँ लोग जाते हैं। गंगा पार रामनगर है, रामनगर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामनगर जैसे कि काशी की जननी है, जहाँ पे संस्कृति के साथ साथ एक परंपराओं का पालन पोषण होता था, लेकिन वो बाजारीकरण का भी शिकार हो रहा है, वो झुग्गियों का एक कॉलोनी बन रहा है। जब काफ़ी पुराने व्यक्ति से मिलता हूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री थे काशी, उनका एक बार आना हुआ तो विभूति नारायण सिंह यहाँ के काशी नरेश राजा थे, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये कहानी क्या था? ये आदर था काशी नरेश का, उनके धर्म, उनके विचार, उनके ज्ञान और उनके गुण का, जिसको उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत काशी नरेश के रूप में मान सम्मान के साथ बचाए रखा और उन परंपराओं को बचाए रखा जो कालांतर में लुप्त होने वाली। इस सीधे संवाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।